स्थिर क्या है, टाटा कंज्यूमर अर्निंग्स का सपोर्ट जहां पर है वो चीज अच्छा कर रही है, अदरवाइज नहीं। और एक चीज मेरे को और नजर आ रही है शैल जी, एक स्टॉक जो कि थोड़ा सा लार्ज कैप में, फ्रंटलाइन स्पेस में, बैंकिंग स्पेस में ठीक ठाक कर रहा है और थोड़ा सा हट के ट्रेड कर रहा है, दैट इज SBI। SBI 540 पे स्लाइटली अगर आप देखें बेटर है आज के दिन। शुभम जी, इंडेक्स को थोड़ा सा रेस्ट लेने देते हैं, आपकी बताइए SBI पे अप्रोच क्या होगी? वीरेंद्र जी, अगर बैंकिंग को हम देखें तो सिलेक्टिव बैंक्स आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और SBI में फिर से एक न्यू हाई बनने की तैयारी है। मुझे लगता है कि इस ब्रेकआउट को भी हमें खरीदना चाहिए, तो SBI पे बिल्कुल खरीदारी की राय होगी। 550 के अगर हम स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन देखें, अभी लगभग 18 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसमें 15 रुपये पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 25-26 रुपये तक का मुझे लगता है टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा, तो SBI पे खरीदारी की राय। SBI हो गया, देखिए ये स्टेबल है तो इसकी स्टेबिलिटी को सलाम है। और बाकी अगर आप देखें उसके बाद आप लिखाइए डाबर, आप लिखाइए टाटा कंज्यूमर, आप लिखाइए ब्रिटानिया, दैट स्पेस ऑल्सो डूइंग वेल। ये भी अगर आप देखें स्पेस अच्छा कर रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त आप दो तीन चीज़ों को देखिएगा, बैंकिंग में SBI और इंडसइंड बैंक और ये FMCG स्पेस काफ़ी अच्छा खासा करता हुआ। और कुछ हद तक अगर आप देखें तो एक दो स्टॉक्स जो और ऊपर निकल के आ रहे हैं उसमें बलरामपुर चीनी और अरविंदो फार्मा जैसे कुछ स्टॉक्स हैं। मानस जी, आपका पहला कन्विक्शन कॉल? देखिए, मेरा जो कन्विक्शन कॉल है वो एस्कॉर्ट्स पे रहेगा और एस्कॉर्ट्स को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार 22 मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था पिछले करीब 5-7 सेशन से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो एस्कॉर्ट्स पे एक ट्रेड लेना है, करेंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1835 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 1940 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एस्कॉर्ट्स, शैल जी ने अभी कहा बहुत दिनों के बाद ऊपर आया ये स्टॉक 1873, यस बड़े दिनों के बाद अगर आप देखें स्विंग नजर आ रहा है राजेश।